ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। T20 विश्व कप 2022 अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है, लेकिन ग्रुप स्टेज के आखिरी चार मैच से पहले तक भी सेमीफाइनल के चार में से तीन टीम्स के बारे में पता नहीं चल रहा है। शुक्रवार को न्यूजीलैंड की टीम ने आयरलैंड को हराकर अपना स्पॉट सेमीफाइनल के लिए पक्का कर लिया है, लेकिन बाकी तीन टीम्स कौन होंगी ये बताना अब भी टेढ़ी हीर लग रही है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे इस T20 विश्व कप में बहुत करीबी मैच देखे गए, लेकिन आखिरी पलों तक भी सेमीफाइनल्स ना मिलने के पीछे की एक छोटी सी वजह ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी रहा है, क्योंकि बारिश ने छह टीम्स के एक एक और एक टीम के तो दो मैच पूरे के पूरे धो दिए। ऐसे में विश्व कप में कई बड़ी टीम्स सेमीफाइनल से पहले ही बाहर होने के कगार पर आ खड़ी हुई हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब ICC ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कम से कम ICC के नॉकआउट मैचों का मज़ा किरकिरा नहीं होगा। आज के सिली पॉइंट में हम आपको ICC के उसी नियम के बारे में बताएंगे। ICC ने T20 विश्व कप के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 9, 10 और 13 नवंबर को खेले जाने वाले नॉकआउट्स मुकाबलों में अगर बारिश या किसी भी कारण से बाधा आती है तो डकवर्थ लुईस नियम से मैच का फैसला तब होगा जब बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम कम से कम 10 ओवर खेल लेगी। यानी अगर 10 से कम ओवर का मैच ही हो सका तो फिर मैच डे पर मैच का नतीजा नहीं निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैच का नतीजा ही नहीं निकलेगा तो ये अच्छी खबर कैसे हुई, रुकिए ज़रा वही बताते हैं। यानी जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है। T20 इंटरनेशनल में बारिश से खलर पड़ने पर बाद में बैटिंग कर रही टीम के 5 ओवर के खेल के बाद ही डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर फैसला निकाला जाता था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा नहीं होगा। अब ये 10 ओवर कर दिया गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि डकवर्थ लुईस नियम से स्कोर में होने वाला बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना कम रहेगी। इतना ही नहीं, इससे भी ज़रूरी बात, यानी 9, 10 और 13 नवंबर को होने वाले इन नॉकआउट्स डे पर अगर 10 ओवर का खेल भी नहीं होता है तो फिर ट्रॉफी बांटी नहीं जाएगी, ना ही बाउंड्री काउंट टाइप कोई नियम ट्रॉफी को किसी एक टीम को दे देगा, बल्कि मैच को अगले दिन खेला जाएगा। यानी नॉकआउट्स मैचों के लिए रिजर्व डे भी रखे गए हैं। जैसे 9 नवंबर को होने वाला पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा, जबकि 10 नवंबर को खेला जाने वाला दूसरा सेमीफाइनल धुला तो वो 11 नवंबर को एडिलेड में होगा। वहीं 13 नवंबर को होने वाला फाइनल अगर धुल जाता है तो उसके लिए रिजर्व डे 14 नवंबर रखा गया है, जो कि मेलबर्न में होगा। यानी आप लोगों को 14 नवंबर भी बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सेमीफाइनल का रिजर्व डे भी धुल गया तो फिर ग्रुप स्टेज को टॉप करने वाली टीम को सेमीफाइनल का विजेता घोषित कर फाइनल का टिकट दे दिया जाएगा। जबकि फाइनल में अगर शेड्यूल डे पर या रिजर्व डे पर भी नतीजा नहीं निकला तो फिर दोनों टीम्स को संयुक्त विनर घोषित कर दिया जाएगा। वैसे तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि अगर मैच के दिन बारिश हुई तो फिर रिजर्व डे पर खेला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए रिजर्व डे का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। पुराने दिनों की तरफ फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको कुछ डराने वाली चीज़ें दिखेंगी। साल 2019 इंग्लैंड में हुए क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में 9 जुलाई के दिन एक सेमीफाइनल मैच खेला गया था। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सेमीफाइनल में खेला और आधे मैच तक हावी भी दिख रहा था। हमने पहले दिन 46 ओवर में किवी टीम को 211 रन पर रोक लिया था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और मैच रिजर्व डे पर चला गया। रिजर्व डे के दिन की MS धोनी की रनआउट होती तस्वीर हमें आज भी अच्छे से याद है। भारत रिजर्व डे पर न्यूजीलैंड से मिले 240 रन के टारगेट को चेज नहीं कर पाया और विश्व कप से बाहर हो गया। 2019 से और पीछे देखें तो ICC के इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2002 में भी भारत को बारिश ने ही रुलाया था। श्रीलंका में खेले गए इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। 29 सितंबर को कोलंबो में फाइनल खेलने का दिन तय किया, जबकि 30 सितंबर रिजर्व डे रखा गया। भारत ने 29 सितंबर को श्रीलंका को 244 रन पर रोक दिया। 50 ओवर में हमें 245 रन बनाने थे, लेकिन हमारी पारी के 2 ओवर बाद ही बारिश शुरू हो गई और फाइनल डे धुल गया। अब भी उम्मीद थी कि रिजर्व डे पर हम ट्रॉफी ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन उस समय नियम ये था कि अगर बारिश से दिन धुला तो रिजर्व डे पर मैच शुरू से शुरू होगा। अगले दिन फिर से कोलंबो में श्रीलंका की पहले बैटिंग, भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और मेज़बान को पहले दिन से भी कम यानी 222 के स्कोर पर रोक दिया। भारत को जीत की खुशबू आने लगी, लेकिन दूसरे दिन फिर से 9 ओवर के खेल में ही बारिश शुरू हो गई। भारत ने 8.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 38 रन बना भी लिए थे, लेकिन आगे का मैच नहीं हो सका और सौरव गांगुली ने सनत जयसूर्या के साथ एक बंद कमरे में जाकर ट्रॉफी शेयर की। इस बार हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि फाइनल में कोई भी टीम किसी दूसरी टीम के साथ ट्रॉफी शेयर करे। उम्मीद यही रहेगी कि दोनों में से कोई एक टीम विजेता बनकर ही लौटे और वो टीम भारत हो, तो इससे अच्छा क्या होगा।
अगर आपको T20 वर्ल्ड कप का पूरा कवरेज देखना है और पूरे कवरेज का मजा लेना है तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम T20 वर्ल्ड कप के लिए महा कवरेज कर रहे हैं। पूरी ललन टॉप की टीम लाइव आती है, वर्ल्ड कप की बातें करती है, मैचों पर इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती है। तो झट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ललन टॉप स्पोर्ट्स नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कैमरे के पीछे है जतिन, मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।